सर हमें आपका शुभ नाम क्या, आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी हितेश्वर शर्मा पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं 10 सेक्टर सर, 10 सेक्टर 10। मैं 7 में रहता था, बहुत बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ मैं वहाँ रहता था जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर, बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग दोबारा। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वें में टॉपर थे तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है। और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया और मैं मानता हूँ सर जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके आज जीवन आपके सर आभारी रहे।